बहु सो दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम सीता श्रद्धा देश की राम अटल जय श्री राम। नारायण नाम है चार अक्षरों से सुसज्जित। ना, नाश करने वाले दुर्जनों के। रा, राखने वाले अपने प्रण के। या, यत्र तत्र सर्वत्र। अणा, प्रणव के मध्य विराजमान विष्णु। नारायण, जिनके गुण रत्नों से संपन्न है रामायण। पुराणों ने हरि के प्राकट्य के कई हेतु बताए हैं। कल्प कल्प में जब जब रावण के विकल्प आए हैं और उनके अत्याचारों से धरती, धर्म, सुर नरमणि अकुलाए हैं, तब तब संभवामी युगे युगे का वचन निभाने श्री हरि ने विविध रूप बनाए हैं। कुछ भी रहे हों उन रावणों और रामों के नाम, परिभाषा इतनी सी है, जो दुष्ट वह रावण, जो भद्र वह राम। जगतपाल, प्रणतपाल, अकारण कृपाल श्री विष्णु के दो द्वारपाल थे, जिनके नाम थे जय और विजय। वे दोनों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक के श्राप से तामस देहधारी राक्षस हुए, जिन्हें हम हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष के नाम से जानते हैं। हिरण्यकश्यप के वंश में जन्मा विष्णु का अनन्य भक्त प्रह्लाद, जिसकी प्राण रक्षा भी हरि के प्राकट्य का हेतु है। हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष के कल्याणार्थ श्री हरि ने नरसिंह एवं वराह का रूप धारण किया। अपने ही परम प्रिय भक्त नारद को जब अभिमानग्रस्त देखा तो भगवान ने विश्वमोहिनी को प्रकट किया और नारद को उसके मुंह में डाल दिया। जब नारद ने श्री हरि से उनके ही रूप की याचना की तो हरि ने हरि अर्थात वानर का रूप नारद जी को दे दिया, जिसके फलस्वरूप विश्वमोहिनी से विवाह की कामना मिट्टी में मिल गई और नारद जी के हाथ लगी घोर निराशा। नारद जी ने नारायण को श्राप देते हुए कहा कि तुम भी स्त्री जनित कष्ट उठाओगे और वानरों की सहायता के बिना संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। भक्त परायण ने भक्त का श्राप सत्य करने के लिए एक और अवतार लिया। नारद जी के वानर रूप पर हंसने वाले शिव जी के दो गणों को भी देवऋषि ने श्राप दे डाला। वे भी समय पाकर अत्यंत बलशाली राक्षस हुए, जिनके प्राण भी युद्ध में श्री हरि के द्वारा ही हरे गए। जालंधर नाम के अजेय राक्षस को त्रिपुरारी शिवजी भी नहीं मार सके, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता परम सती थी। वह अपने पति को जप का अभेद्य कवच पहनाए रखती थी। विष्णु जी ने छल से उसके जप में व्यवधान डाल दिया और अवसर पाकर शिवजी ने जालंधर का संहार कर दिया। वही जालंधर कालांतर में रावण हुआ, जिसके लिए नारायण को एक और अवतार लेना पड़ा। प्रबल प्रतापी महाराज प्रताप भानु ब्राह्मणों के समूह द्वारा श्रापित हुए, किंतु उस श्राप में यह वरदान सन्निहित था कि वे बंधु बांधवों सहित श्री राम जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यह रामायण जिन श्री राम की कथा है, वे इन्हीं राक्षसेंद्र रावण का संहार कर सृष्टि को बचाने, धर्म की ध्वजा फहराने तथा सत्य को विजय दिलाने के लिए प्रकट हुए थे। अधिकतर तपस्वी तपस्या करके राम का परम धाम प्राप्त करना चाहते हैं,
परंतु मनु और शत्रुपा, अदिति और कश्यप ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने राम को अपने धाम में पाना चाहा, वह भी पुत्र रूप में। अपने भक्तों को दिए हुए वरदान का मान रखने के लिए श्री राम सूर्यवंश में धर्मपरायण महाराज दशरथ तथा महारानी कौशल्या के पुत्र बनकर प्रकट हुए। श्री राम के अवतार इन कुछ नामों तक ही सीमित नहीं, कहते हैं कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। राम कथा शिवजी ने अपने मानस में संजो रखी थी, सुअवसर पाकर माता पार्वती के सन्मुख प्रस्तुत की। यही कथा काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। रामायण वह अथाह सागर है कवि और कथाकार जिससे गागर भर भर कर लाते रहे हैं, भक्तजनों की प्यास बुझाते रहे हैं। हमने भी सियाराम जी की कृपा से वह कथा कहने का प्रयास किया है। यह प्रयास एक बालक के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पकड़ने के समान है। आपका मनोयोग से कथा श्रवण करना ही हमारी सेवा का पुरस्कार होगा। विगतागत आभास पूर्ण न हो कोई आस। ब्रह्मा विष्णु महेश सम जिन गुरुवर का स्थान, विनती है मुझे वे करें सम्यक ज्ञान प्रदान। राम कमल के कुंज द्रवित हो मुझ दीन पर, दे दो सद्गुण पुंज सिया राम गुण गान को। वाल्मीकि गुरु ज्येष्ठ राम कथा के प्रथम कवि, वंदो तुलसी श्रेष्ठ जिनका जीवन राममय। उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी, आद्या परमा तत्व विचारिणी, राम रमापति कुंज विहारिणी, नमः सीतांग भव सिंधु तारिणी। सागर भरना राम हरे, जय राम हरे, सीतापति श्री राम हरे। ओ निगम राम को अगम बतावे, राम की महिमा हम क्या गावे।
अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी जग कल्याणी है। जो वाल्मीकि ने प्रथम लिखी तुलसी जी ने अति सहज कही, वही कथा हमें दोहरानी है। एक ऐसा बृहत तथा दुष्कर कार्य करने चले हैं जो हमारी योग्यता क्षमता शक्ति एवं सामर्थ्य के सर्वथा परे है। इस कार्य के निर्विघ्न संपन्न करने में दैवीय शक्तियों का आश्रय सहायक हो सकता है। यदि यथार्थ की बात करें तो सर्व देवी देवता तथा तीन लोक के प्राणियों की गिनती भी संभव नहीं है, फिर उनकी वंदना कैसे संभव हो सकती है। हमने गोस्वामी तुलसीदास जी का अनुसरण किया है, मानस में रामचरितमानस को स्थान दिया है। उन्होंने जिन जिन की वंदना की है हमने भी उन्हीं को मनाने का प्रयत्न किया है। किए धारण ब्राह्मण का आदर सम्मान, विनय से करें स्वयं भगवान। आत्मा ज्ञान मंत्रमयी काया, वचन वेद भ्रम भेद मिटाया। हरि द्वारा पूजित द्विजवर्ग, मिलत होए हरि से संसर्ग। संतन की महिमा कथ, प्रभु के प्रतिनिधि संत। जहाँ रहे तहाँ रहत है, बारह मास बसंत। रूप ही जानिए जग में संत समाज, कल उत्तम हो जाएगा पूज लीजिए आज, वंद लीजिए आज। साधु चरित नहीं सके बखाने, ओ संतों की महिमा जब गाऊं, अपनी दशा कुछ ऐसी पाऊं। अदरक बेचने वाला नहीं चीने रत्नों की माला। संत उदार सरल हृदय, विनय करूं कर जोर। राम चरण में कर कृपा, प्रीति जगा संतों को। राम ने निकट रखा, सत्संग का रस भरपूर चखा। संतों ने कही सो मानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है।
की अमर कहानी है। खल दुष्ट दुरात्मा की छाया से भी सज्जन भयभीत रहे, ये बिन कारण स्वभाव से ही सबके हित के विपरीत रहे। नहीं तेल अग्नि और रुई बने इन पर उपयोग में लाने को, पर यश पर सुख पर की उन्नति पर्याप्त है इन्हें जलाने को। इनसे दूरी ही भली के ये जीवित बाधा विपदाएं हैं, जहां बरसे भूमि करें बंजर दुर्योग की घनी घटाएं हैं। ये द्वेष रूप ये क्लेश रूप ये भार रूप है धरती पर, खल कुंभकर्ण की भांति का सोए रहना ही श्रेयस्कर। शत्रु मित्र निज पर न दे किसी को ये विश्राम, इनसे दूरी रख इन्हें सादर करो प्रणाम। ओ संत असंत समान उदाहरण है दोनों ही दुख के कारण। ओ बिछड़त संत प्राण हर लेते, मिलत असंत घोर दुख देते। जोंक एक ठार निवासु, एक सुखप्रद एक रक्त पिपासु। ओ अमृत विष का सिंधु से नाता, एक जीवन एक मृत्यु का दाता। संत असंतों की कथा अगणित अकथ अपार, ग्रहण त्याग है कठिन बिन जाने सार असार। जब सुबुद्धि विधि दे तभी मन हो गुण मिली, प्रकृतिवश जीव रहे मतीन। ओ असत संग बस हानि बढ़ाए, लाभ सदा सत्संगी पाए। ओ पवन संग रज नभ चढ़ जाए, अधो नीर संग कीचड़ पाए। नारद अगस्त्य वाल्मीकि गए ये तथ्य बखान कर, सबको मिली सद्गति यहाँ सत्संग जल में स्नान कर।
सत्संग बिन इस जीव को सम्यक विवेक मिले नहीं। रघुवर कृपा बिन लाभ प्रद सत्संग कमल खिले नहीं। रघुवर कृपा बिन लाभ प्रद सत्संग कमल खिले नहीं। सत्संग को जड़ जानिए आनंद और कल्याण की फल सिद्धि साधन पुष्प से शोभा जगत उद्यान की। सत्संग षठ जन के चरित को सीख दे उन्नत करे। लोहे को पारस मणिक जैसे स्वर्ण में परिणत करे। लोहे को पारस मणिक जैसे स्वर्ण में परिणत करे। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा तिथि तिथि बढ़ता जाए। कृष्ण पक्ष में हो वही घट घट कर कृष्णकाय। कहे पोषक एक पक्ष को शोषक एक कहाय। दोनों पक्ष में चंद्रमा ज्योति समान लुटाए। पक्ष को यश यश पाए। श्री राम नाम में चंद्र सजा उस चंद्र की अमृतमयी प्रभा। शीतल है सरस सुहानी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जड़ चेतन चर अचर में अंश रूप है राम। जान सकल को राम मैं सविनय करूं प्रणाम। शत शत करूं प्रणाम। देव दनुज यक्ष किन्नर गंधर्व में कर जोड़ सविनय सबको मनाता हूँ। जल चर थल चर नभ चर निशिचर गोचर अगोचर को ध्यान में लाता हूँ। नागों की प्रजातियों को मनुज सजातियों को कवि गण साथियों को विनती सुनाता हूँ। साधु सिद्ध संतों की चतुर दिगंतों की सबकी कृपा के हेतु झोली फैलाता हूँ। योनियां 84 लाख गतियां हैं चार। इन चार गतियों में जीव चार प्रकार के। श्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज लेते हैं जन्म जीव नाना तन धार के। कुछ भी हो नाम धाम कहीं भी हो उनके चाहे इस पार के हो चाहे उस पार के। सब में है सीताराम सब है प्रणाम योग्य किसी भी प्रकार के हो किसी भी आकार के।
चार लाख चौरासी जाति जीव जल थल नभवासी ओ सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम। बुद्धिहीन बालहीन को दास आपका जान राखो शरण कृपा सिंधु भगवान चरणों में दो स्थान डगमग चरण है बहिया है छोटी छोटी चाहत परंतु रामचंद्र रूपी चंद की राम का चरित्र सिंधु और मैं शतांश बिंदु पहुँच वहाँ पे कहाँ मुझ मति मंद की तोतले वचन निज बालक के सुन जैसे सीमा नहीं रहे माता पिता के आनंद की मेरे बाल वचनों से ऐसे ही प्रसन्न होना कहने चला मैं कथा आनंद कंद की मिला मुझे सौभाग्य से प्रभु सेवा का कार्य पढ़ सज्जन होंगे सुखी और मन खिन्न अनार्य लेखन है अनिवार्य ओ नहीं कवि नहीं मुझ में बाक पटुता विद्याहीन वचन में कटुता मेरे तो आश्रय बस राम कथा कहाना उनका काम ओ नहीं पंडित नहीं वैयाकरणी प्रभु महिमा किमि जाए वर्णी मेरे तो आश्रय बस राम कथा कहाना उनका काम न अर्थ न छंद रस नहीं नाना अलंकार मैं तट पर लहरें गिनूं कविता सिंधु अपार माना मैं कुछ भी नहीं कुछ नहीं मेरे कविता में है राम नाम अनमोल सब विधि सबसे है बड़े राम उनसे भी बड़ा उनका है नाम यह वेद पुराण की वाणी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है ओ राम नाम है परम उदारा सारिस में वेदों का सारा राम हरे जय राम हरे नारायण गुण धाम हरे
जेही जपत पुरारी राम हरे जय राम हरे नारायण गुण धाम हरे कलिमल हरणि मंगल करणि पावन कथा रघुनाथ की गंगा की गति है वक्र पर तारे अनेकों पात की मरघट की अशुचि भभूति जो शिव शंभु के तन पर चढ़े उस भस्म के प्रतिभक्त जन का प्रेम और श्रद्धा बढ़े उस भस्म के प्रतिभक्त जन का प्रेम और श्रद्धा बढ़े मम कविता यश पाएगी राम कथा के संग उन्हें लगेगी प्रिय जिन्हें प्रिय रघुनाथ प्रसंग साचा हरि का रंग हृदय सिंधु बुद्धि सीप है शारद स्वाति समान श्रेष्ठ विचार की वृष्टि से जन्मे जो मधुगान उसको मुक्ता जान निकृष्ट है कलयुग और मैं कलयुग में जन्मा हूँ धर्म की छांव न ज्ञान के फल है ऐसे वृक्ष तले बैठा हूँ दुर्मति दुर्जन दंभी दुरात्मा दुर्मति दुर्जन दंभी दुरात्मा लोभी छली क्या बोलूं मैं क्या हूँ कालिक रात की पतित रूपात की छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ कालिक रात की पतित रूपात की छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ कहाँ चरित रघुनाथ का अमित अपार अनंत कहाँ जगत आसक्त में अगणित वांछावंत पवन वो जिससे सुमेर गिरी उड़ जाए रुई भला वहाँ किस गिनती में आती है राम जी की प्रभुता को देख मेरी क्षमता एक पग दो पग चल नहीं पाती है राम जी की गाथा गाना कहाँ से आरंभ करूं यही कठिनाई है जो दुविधा बढ़ाती है रामायण सागर में करते प्रवेश मेरा मन सकुचाता और बुद्धि चकराती है ओ सर्वविदित प्रभु की कथनीय पर सबने गाई मेरे तो आशय बस राम कथा कहाना उनका काम ओ सब जाने प्रभु प्रभुता कैसी फिर भी कहें बन पड़े जैसी मेरे तो
आशय बस राम, कथा कहाना उनका काम। ओ भजन प्रभाव अपार अनोखा, जितना भज लो उतना चोखा। मेरे तो आशय बस राम, कथा कहाना उनका काम। अविचल अनाश्रित अद्वितीय अनघ अरूप अनाम है, निर्लिप्त निर्गुण नित्य निर्मल नाथ है, निष्काम है। वह विश्वमय विश्वात्मा, यह विश्व उसका धाम है। विविधावतारी लीलाधारी प्रभु को विनय प्रणाम है। विविधावतारी लीलाधारी प्रभु को विनय प्रणाम है। ओ प्रणत पाल दीनन दुखहारी, भक्त है तू लीलाएं सारी। मंगलमय करुणा के धाम, शरणागत वत्सल को प्रणाम। कभी नहीं करते करुणा का क्रम हो न समाप्त, कोई वस्तु कराए प्राप्त। अकथ अगोचर राम गुण, यद्यपि वर्णनातीत तदपि राम बल पर चला। कहने कथा सप्रीत राम नाम करमीत, इस नाम पे जो विश्वास करे वो चाहे जहाँ निवास करे, सर्वदा सुरक्षित प्राणी है। ये रामायण श्री राम कहानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ओ वेद व्यास आदि कवि जितने, सबको सुयश दिया हरि के चरित ने। मंगलमय करुणा के धाम, शरणागत वत्सल को प्रणाम। ओ तीनों काल के कवि कर वंदन, ध्यान में लाऊंगा रघुनंदन। मंगलमय करुणा के धाम, शरणागत वत्सल को प्रणाम। राम सरोवर रूप के हंस रूप विद्वान, मेरी रुचि देखो न दो अल्प बुद्धि पर ध्यान। वेद है ज्ञान निकेत, वेदों की करूं वंदना। भव जल तारण हेत ये चारों जलयान है। वेद न हो कभी क्लांत, हरि चरित्र गाते हुए हर
हरी सद्गुण संभ्रांत, कहो सुनो हरि हरि सदा। ब्रह्मा जी की पद रज सिर से लगाता हूँ मैं, अखिल निखिल के यही तो निर्माता है। लक्षित अलक्षित चराचर हैं जितने भी, सबके ये सृष्टा हैं, सभी के प्राण दाता हैं। कहते हैं सब जिन वेदों को अपौरुषेय, उनके जनक विधि उनके विधाता हैं। तीनों भगवानों में प्रथम नाम ब्रह्मा जी का, सृष्टा है ये सृष्टि के जगत विख्याता है। प्रणमहु शंभु नमन करूं गिरिजा को, दोनों पितु मात दोनों गुरुवर मेरे हैं। सीतापति राम जी के शिव स्वामी सेवक हैं, राम जी के शिव राम शिव जी के चेहरे हैं। गौरी शिव सीताराम ऐसे हैं ये शुभ नाम, इन जोड़ियों के ऋण मुझ पे घनेरे हैं। इनके बसेरे मेरे मन में है और मेरा, चरणों पे शीश चरणों तले डेरे हैं। निश्चित ही शंकर उमा हो मेरे अनुकूल, राम चरित्र कहेंगे सब मंगल कामूल, बिसरा कर मेरी भूल। लगा कर राम कथा जो प्रेम के साथ सुनेंगे कहेंगे, उनके जन्मों के संचित अघ राम कृपा धारा में बहेंगे। होगा ना उनका अकाल मरण, दुश्चिंता का दुख न सहेंगे। राम चरण के प्रेमी बनकर राम के श्री चरणों में रहेंगे, राम चरण के प्रेमी बनकर राम के श्री चरणों में रहेंगे। ओ बंदो अवधपुरी सुखकारी, जहाँ बहे सरयू कलिमलहारी, यही अयोध्या राम का धाम, साकेत इसका दूसरा नाम। ओ बंदों वे सज्जन बड़ भागी, राम स्वयं जिनके अनुरागी, यही अयोध्या राम का धाम, साकेत इसका दूसरा नाम। जग मरुथल प्रभु शीतल नीरा, कौशल्या के कोश के हीरा, जिनके पुत्र कहाए राम, उन माता को करूं प्रणाम। राम सनेही तात दशरथ की करूं वंदना, त्याग दिया निज गात प्रियवर
राम वियोग में। प्रणव हूँ जनक विदेह, श्रद्धा से परिजन सहित, जिनका गूढ़ स्नेह रघुवर कोमल कमल पर। शत कोटि नमन करूं भरत जप तप नियम गुण धाम को, निष्काम उनकी राम भक्ति करे है विवश प्रणाम को। श्री राम चरण कमल पे वे भंवरे की भांति झुके रहे, श्री राम निज मुख से उन्हें अनुजों में प्राणाधिक कहें। श्री राम निज मुख से उन्हें अनुजों में प्राणाधिक कहें। सौमित्र परम चरित्र के चरणों में है सादर नमन, सेवक सजग बन जो न भूले वन गमन में अनुगमन। शेषावतार रखे नियंत्रण किंतु क्रोध प्रचंड पर, फहराए यश ध्वज राम जी का लखन रूपी दंड पर। फहराए यश ध्वज राम जी का लखन रूपी दंड पर। धरणि धरण निर्भय करण सर्वशक्ति संपन्न, रामानुज लक्ष्मण रहो मुझ पर सदा प्रसन्न, मुझको जान विपन्न। ओ शांत सुशील भरत अनुगामी, प्रिय शत्रुघ्न कनिष्ठ नमामि, तीनों भ्राता गुण के धाम, अंश रूप इनमें श्री राम। केसरी नंदन अंजनी के सुत इन सम और नहीं बलधारी, और की बात कहा कहूं इनकी, महिमा राम स्वयं उच्चारी। दानव दल को दंडित करने, दानव दल को दंडित करने प्रगटे पवन सुत वन त्रिपुरारी। श्री हनुमान के अंतर में धनुबान सहित रहे अवध विहारी, राम के काम संवारन को हनुमान बने कैलाश विहारी। वानर पति सुग्रीव महाभट जामवंत रेक्षों के स्वामी, राक्षस राज विभीषण जिनकी बाह शरण दे राम ने थामी। अंगद अरु कपि भालुओं के दल, अंगद अरु कपि भालुओं के दल इनके श्री चरणों में नमामि। अधम शरीरों में रह कर भी सबके सब ये हुए हरि धामी, राम के हाथ पुरस्कृत होकर सबके सब ये हुए हरि धामी।
निष्काम सबको करूं प्रणाम। नमन करूं श्रुतिधर शुकदेव को, ध्याऊं सनकादिक महाज्ञानी, स्मरण करूं नारद देवर्षि का, हितकर सार्थक जिनकी वाणी, देव शिरोमणि संत शिरोमणि, देव शिरोमणि संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि जो गुण खानी, सबसे कृपा की याचना करके कहने चला मैं राम कहानी, सबसे कृपा की याचना करके कहने चला श्री राम कहानी। जनक दुलारी जान की, पूर्ण जगत की मात, राम कृपा निधि की प्रिया, महालक्ष्मी साक्षात, तिन्हें नवामात। ओ विनयशील गुणयुत वैदेही, रघुवर जिनके परम स्नेही, दोनों हरि लक्ष्मी साक्षात, कृपा करें मुझ पर पितु मात। उन श्री राम के युगपद बंधों, सुर नर मुनि जिनके अनुगामी, नाथ स्वभाव से पतितोद्धारक, और मैं सब पतितन में नामी, सर्व समर्थ सर्व गुण मंडित, सर्व समर्थ सर्व गुण मंडित, सीता जी के शाश्वत स्वामी, रघुनायक वरदायक शायक, चाप समेत सदैव नमामि, रघुनायक वरदायक शायक, चाप समेत सदैव नमामि। राम नाम के मंत्र को निशदिन जपत महेश, काशी में यही मुक्ति दे, शिव का यह उपदेश, नाम महात्म्य विशेष। शिव जी के मुख से सुना जब श्री राम प्रताप, गौरी भी करने लगी शिव संग राम का जाप। सागर मंथन से कालकूट विष प्रकट हुआ प्रलयंकारी, दम लगे तोड़ने सर्व जीव, और जलने लगी सृष्टि सारी, श्री राम का लेकर नाम, गरल को पचा गए शिव त्रिपुरारी, दिया कालकूट ने अमृत फल, प्रभु नाम की महिमा है भारी। श्री राम को पलकों पे रख कर,
कर पृथक नाम के दो अक्षर महिमा तुलसी ने बखानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। अमृत की वृष्टि और भक्त हृदय हैं, धानों से रा और माँ सावन भादों हैं, धरती के लिए वरदानों से ये वरदानी दोनों अक्षर जिस भाग्यवान को प्राप्त हुए जन्मों के पापों संग उसके आगामी जन्म समाप्त हुए। राजीव नयन राघव रघुवर श्री राम के नाम ये प्यारे हैं, मधुमय मनहर ये दोनों अक्षर जीवन प्राण हमारे हैं। रविवंशी रविवन कर दिन में गंतव्य की राह दिखाते हैं, रातों को चंद्र समान चमक अंधियारे सर्व मिटाते हैं। यही देते हैं परम पद यही स्वर्ग सोपान, युगलाक्षर भक्तों को प्रिय राम और लखन समान, माझी और जलयान। रा और माँ दोनों एक रूप एक रस, भिन्न भिन्न कहने से प्रीत बट जाती है। दोनों की घनिष्ठता एकात्मता को ऐसे जान, जीव जैसे ब्रह्म का अनादि से संगाती है। दृष्टि से बीजाक्षर की शब्द अर्थ फल भिन्न, दोनों की इकाई एक ही को दर्शाती है। दोनों को निकट रख बनता है राम, राम नाम की बड़ाई नहीं शब्दों में समाती है। राम के अक्षर हैं अजरामर, अजर अमर पद देने वाले, इनको जपे जो शिव रूपी अमृत का स्वाद और तृप्ति वो पाले। दोनों शेष और कच्छप जैसे, दोनों शेष छप जैसे रहते हैं भूभार संभाले। आत्मा रूपी यशोदा इनको रखे जतन से स्नेह से पाले, आत्मा रूपी यशोदा इनको रखे जतन से स्नेह से पाले। एक छत्र एक मुकुट मणि उभय रकार मकार, जो धारे उनको मिले इनसे पुण्य अपार, हो जाए भव पार। राम रख
कर्म कार से निर्मित नाम की आज्ञा पाले नामी। राम और नाम में ऐसा नाता, राम है सेवक नाम है स्वामी। नाम के हैं आधीन रमापति, नाम के हैं आधीन रमापति, नाम के राम स्वयं अनुगामी। राम का नाम अपूर्व है, राम के पूर्व सुनाम नमामि नमामि। राम का नाम अपूर्व है, राम के पूर्व सुनाम नमामि नमामि। वही खड़ा है रूप नाम के है आधीन, रूप को बड़ा कहें मतीन। ओ रूप नाम बिन मन में न आए, नाम रूप को सन्मुख लाए। रूप नाम के है आधीन, रूप को बड़ा कहें मतीन। ओ नाम रूप नदिया और पानी, अकथनीय है इनकी कहानी। दोनों का है स्थान विशेष, वहाँ बुद्धि का नहीं प्रवेश। निर्गुण सगुण के मध्य में सुंदर साक्षी नाम, बन कर नाम दुभाषिया सहज करे ये काम। कौन ब्रह्म शिव राम, ओ राम नाम से लो जो लगा ले, परम तत्व परमात्म को पाले। जिसके गुण और लाभ अनेक, राम नाम है ऐसा एक। ओ सर्व सिद्धियां जिनको वांछित, वे भी प्राप्त करें आकांक्षित। जिसके गुण और लाभ अनेक, राम नाम है ऐसा एक। जपे जन छूटे भय से, हो मंडित सर्वत्र विजय से। जिसके गुण और लाभ अनेक, राम नाम है ऐसा एक। राम जी के भक्त हैं चार प्रकार के, कुछ धन संपत्ति चाहने वाले हैं, कुछ आरत हैं जो आगत से भयभीत, स्वकृत कर्म मानो मकड़ी के जाले हैं। राम जी हैं कैसे क्या हैं उनके चरित्र गुण, कुछ जिज्ञासु इन्हीं प्रश्नों को पाले हैं। ज्ञानी जन ज्ञान से तो बुद्धिमान, बुद्धि द्वारा राम रूप राम तत्व दोनों को संभाले हैं। उदार
प्रभु ज्ञानी से प्यार, सबके राम आधार। चार वेद युग चार में व्यापक नाम प्रभाव, कलयुग सागर तरन को नाम सुरक्षित नाव, नाम का तुरत प्रभाव। निर्गुण से प्रगटे सगुण रूप, कहे ब्रह्म एक हैं हम दोनों, दोनों अनादि दोनों अनंत, दोनों अथाह अनुपम, दोनों जग सृष्टि जगत पालन पोषण, दोनों करते हैं काम बड़े हैं निस्संदेह बड़े दोनों, पर इनसे इनके नाम बड़े। सगुण स्वरूप सकाम है, निर्गुण है निष्काम, दोनों पर शासन करें इन दोनों के नाम। समरस है समकक्ष है बहु प्रकार से एक, तो भी पढ़ने में इन्हें सक्षम नहीं विवेक, तर्क वितर्क अनेक। निर्गुण ब्रह्म है तो राम सगुण है, नाम की जो पूछो तो वो दोनों से महान है। नाम विश्वव्यापक है देव संस्थापक है, नाम अविनाशी अगणित गुण खान है। नाम ही तो है वो जप तप में जो आए काम, नाम ही से होता नामधारियों का भान है। नाम ही बताए के हथेली पे धरा जो रत्न, कैसा उपयोगी कितना मूल्यवान है। के दुख सहमे के दुख जन जन के, जपा जिन्होंने राम का नाम, राम से पाया राम का धाम। भंग किया श्री राम ने केवल शिव का चाप, भव भय भंजन कोटि का करता नाम प्रताप, हित कर नाम का जाप। शबरी जटायु को मिला आशीष प्रभु के हाथ से, साक्षात सबका व्यक्तिगत संभव कहाँ रघुनाथ से। निर्गुण सगुण आराधकों को नाम ही आधार है, कहते हैं वेद के राम जी का नाम जग का सार है, कहते हैं वेद के राम जी का नाम जग का सार है। श
अशोक सन का अधिक सिद्ध मुनीश्वर नाम महामणि ध्यान में राखें। नारायण नारायण कहकर नाम की महिमा नारद भाखें। नाम की पावन भस्म सदा शिव, नाम की पावन भस्म सदा शिव, चंदन जान के तन पर माखे। नामोच्चारण करने वाले ब्रह्मानंद परम रस चाखे। नामोच्चारण करने वाले ब्रह्मानंद परम रस चाखें। दुखित भी माता से हुए बढ़ा त्रास दुख शोक, ध्रुव ने हरि का नाम जप प्राप्त किया ध्रुव लोक। नाम पवन सुत जप कर अपने वश कर राखे रघुवर, जपते रहे मंत्र अविराम श्री राम जय जय राम। ओ जपा अजामिल गज अरुगणिका, नाम महामणि का राम से बड़ा राम का नाम श्री राम जय जय राम। कल्प वृक्ष कलिकाल में सब मंगल का मूल, भूले से भी मन मेरे नाम जाप मत भूल। चारों युग त्यों काल में नाम जपत त्यों लोक, चार पदार्थ प्राप्त कर रहते अभय अशोक। सम्मति से शुभ फल मिले राम पद रति से, राम से बड़ा राम का नाम श्री राम जय जय राम। ओ राम से नाता सच्चा नाता, नाम प्रभाव पुण्य फल दाता, राम से बड़ा राम का नाम श्री राम जय जय राम। सतयुग में हरि ध्यान से रीझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से, द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी विधिवत पूजा अर्घ्य दिए से। ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, स्मरण करो बस सच्चे ही ऐसे। कलयुग में कीर्तन प्रिय श्री हरि सद्गति दे बस नाम लिए से। सबसे सहज कलिकाल के जिसमें मुक्ति मिले बस नाम लिए से। कैसे भी जप लीजिए घटे न नाम प्रभाव, दस
रक्षा करें अवधपुरी के राम। परखी केवल भाव श्री राम कृपा का पात्र हूँ मैं, वास्तव में माध्यम मात्र हूँ मैं, हरि को ही कथा लिखानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। कृपा निधि मुझ पदार्थ की रुचि और प्रीति को मान्य करेंगे। पतितों की गिनती में न लेंगे, विनती पर ही ध्यान धरेंगे। कपि मंत्री पाषाण जहाज, कपि मंत्री पाषाण जहाज बनाए तो मेरे भी कष्ट हरेंगे, मेरे भी प्राण हठीले हैं। राम कथा कह कर भव सिंधु तरेंगे, मेरे भी प्राण हठीले हैं। राम कथा कह कर भव सिंधु तरेंगे। इस प्रकार निज दोष गुण कर संक्षिप्त बखान, राम सुयश कलिमल हरण वरणु सुनो सुजान। याज्ञवल्क जी ने जो गाथा सुमधुर स्वर में गाई, भारद्वाज मुनीश्वर को जो लगी परम सुखदाई, वही पवित्र कथा कहने की अब है मेरी बारी। मनोयोग से पूज्य भाव से सुनो सकल नर नारी। शिव को अति भाया करके कृपा गौरी को सुनाया, अद्भुत कथा पात्र अभिराम, रामचरित मानस को प्रणाम। ओ जान सुपात्र भक्त अधिकारी, कथा काग को दी त्रिपुरारी, अद्भुत कथा पात्र अभिराम, रामचरित मानस को प्रणाम। काग भुशुंडी ने मंगल करनी, राम कथा शिव जी से पाई। मुनिवर याज्ञवल्क्य के सन्मुख जैसी सुनी वैसी ही सुनाई। याज्ञवल्क्य से राम कथा की, याज्ञवल्क्य से राम कथा की गंगा भरद्वाज तक आई। नारद जी से प्रेरित हो ये वाल्मीकि ने काव्य में गाई, तुलसीदास ने रस में डुबो कर संस्कृत से भाषा में सजाई। याज्ञवल्क वक्ता निपुण
श्रोता भारद्वाज दोनों जाने विष्णु का रूपांतर रघुराज ओ कहीं सुने रघुवर यश ऐसे नहीं इति पूर्व सुना हो जैसे अद्भुत कथा पात्र अभिराम रामचरित मानस को प्रणाम वक्ता श्रोता जब के हूँ दोनों ही स्थित प्रज्ञ तब कहीं पाता पूर्णता राम कथा महायज्ञ जय श्री राम। जिस प्रकार कुशल वैद्य रोगी को औषधि के गुण प्रभाव तथा प्रभाव की अवधि से अवगत करा देता है उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन्म जरा मृत्यु इन तीन तापों से ग्रस्त जीवात्मा को देवोपयोगी संतोपयोगी मनुजोपयोगी सर्वोपयोगी राम कथा की गुणवत्ता भली भांति समझा दी है ताकि रोगी विश्वास के साथ भवभयहारिणी भक्तों की प्रियकारिणी सर्वापदा निवारिणी इस राम कथा रूपी संजीवनी का विश्वास कर सेवन करे और असाध्य तापों की त्रासदी से मुक्ति पाले। राम कथा वह मोर जो कलियुग रूपी सर्प को खाए करने प्रकट विवेक अग्नि समिधा की भांति जलाए इस कलिकाल की कामधेनु यह इच्छित फल देती है संजीवनी सम मूर्छित मन की जड़ता हर लेती है सरिता बन यह मानस में बहती है इसके बिंदु पान से आत्मा निर्विकार रहती है सक्षम है यह चित्त वृत्तियों से निवृत्त करने में राम कथा सी ज्योति नहीं भ्रम भ्रांति तिमिर हरने में ओ राम कथा चिंतामणि ऐसी हर ले चिंता चाहे जैसी संत बुद्धि है नारी रूप राम कथा श्रृंगार अनूप अनघ करें मंगल करें हरे क्लेश भय शोक राम सुगुण सुमिरन किए सुधरे लोकालोक राम चरण पर धो के मन रूपी वन में विचरे काम क्रोध मद हाथी उनके उत्पातों से वन में विषयों की अग्नि लग जाती ऐसे हाथियों के वध को
से हाथियों के वध को ये सिंह के छोने धर्म के साथी राघव के सद्गुण की पाती गणित के अंकों में नहीं आती राम के अगणित गुण की गणना गणितज्ञों से ही नहीं जाती। संपूर्ण पुण्यों के उदय से प्राप्त अक्षय भोग हैं संसार हित के हेतु सद्गुण साधु संत सुयोग हैं। सेवक हृदय हैं मान सरवर सुगुण हंस समान हैं अघहरणी पावन करणी गंगा मात से यशवान हैं। अघहरणी पावन करणी गंगा मात से यशवान हैं। कलयुग में हैं जो कुमार्ग पर जिनके चलन में कुचाल है पाखंड दंभ कपट कुतर करु मन में भ्रम का जाल है। इन राह भूलों को धर्म के पथ पे लाने के लिए श्री राम गुण है अग्नि यह ईंधन जलाने के लिए श्री राम गुण है अग्नि यह ईंधन जलाने के लिए। श्री राम चारित चंद्रिका पूनम के पूरन चंद की कमनीय कोमल कोम दी है वर्धिनी आनंद की। सज्जन के चित्त चकोर हित सद्गुण है सब विधि लाभ प्रद सुरभित करे मन प्राण आत्मा राम गुण माला सुखद सुरभित करे मन प्राण आत्मा राम गुण माला सुखद। राम को भी न कदाचित ज्ञात हो कवियों ने गुण इतने गिनाए प्रभु को महिमा मंडित करने उपमाओं के ढेर लगाए। शारद नारद शेष महेश शारद नारद शेष महेश सुरेश ने सुगुण अशेष जो गाए उनमें जो एक भी गुण अपना ले राम का वो अपना हो जाए। उनमें जो एक भी गुण अपना ले राम का वो अपना हो जाए। यदि कुछ भी न ले बस इतना ले जाओ राम की मर्यादा करे मानव का उत्थान नहीं कोई राम समान। ओ करने लगी जब प्रश्न भवानी उत्तर में शिव कथा बखानी अद्भुत कथा पात्र अभियान रामचरित मानस को प्रणाम। ओ वही कथा अब काव्य बना कर
करूंगा प्रस्तुत सहज सजा कर अद्भुत कथा पात्र अभिराम रामचरित मानस को प्रणाम। राम कथा सुन वो न करे अचरज जिसने पहले न सुनी हो। राम कथा का आदि न अंत वो जानता है जो ज्ञानी गुणी हो। ये वो कथा नहीं जो किसी कवि ने, ये वो कथा नहीं जो किसी कवि ने कल्पना के धागों से बुनी हो। राम ने उसको चुना होगा जिसने ये कथा कहने को चुनी हो। राम ने उसको चुना होगा जिसने ये कथा कहने को चुनी हो। कल्प कल्प में राम पधारे कवि जन ने कविता में उतारे। आदि अनंत अलौकिक नाम श्री राम जय राम जय जय राम। ओ तज संदेह भ्रांति भ्रम तज कर राम कथा सुनो राम को भज कर। आदि अनंत अलौकिक नाम श्री राम जय राम जय जय राम। निर्गुण सगुण सुगुण भरे राम का ओर न छो। विश्वासी जन जब सुने ओ आनंद विभोर हरि मुनि जन चित चो। ओ शिव गौरी को शीश नवाऊं कथा है तू लेखनी उठाऊं। मेरे तो आश्रय बस राम कथा कहाना उनका काम। यह कथा सुगुण मणियों से जड़ी शिक्षा प्रद रोचक सरस बड़ी जीवों के लिए वरदानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। पातक निवारिणी पुण्यकारिणी दायिनी राम के धाम की है। सुप्रसिद्ध सर्वलोकों में है यह पूरी पवित्र परम पूजित। क्या मेल धरा की पुरियों से करे इंद्रपुरी को भी लज्जित। सचमुच भाग्यवान त्यागे जो अयोध्या में तन को। इस तीर्थ की किरणे बिन प्रयास काटे उनके भव बंधन को। यह पूरी अनादिकाल से ही धर्मज्ञ निपुण से शासित है। यहाँ अमृत वाहिनी सरयू की बूंदों में अमृत
समाहित है। सब वेधि सुंदर दिव्य मनोहर शब्दों में नहीं होए प्रशंसा। हरि ने निज अवतार हेतु चुना यह दिव्य स्थल दिनकर वंसा। वातावरण यहाँ का करता काम क्रोध मद दंभ का ध्वंसा। विमल कथा आरंभ यहीं से करन चहे मम मानस हंसा। विमल कथा आरंभ यहीं से करन चहे मम मानस हंसा। शिव जी राम कथा रखी मानस मध्य संजोय। गिरिजा को अर्पण करी हरि गुण माल पिरोय। राम भक्ति में खोय देख हृदय में प्रस्फुटित शतदल कमल समान। राम चरित मानस किया नाम शंभु संधान। भक्तों को वरदान जैसा यह राम चरित मानस और जिस प्रकार से रचा गया। जिस हेतु हुआ जग में प्रचार जो लक्ष्य समुख रख लिखा गया। वह ध्यान में रख कर राम कथा पर पूर्ण समर्पित रहता हूँ। शिव गौरी का कर स्मरण श्रृंखलाबद्ध कथानक कहता हूँ। माघ महीना तीर्थ प्रयाग में साधु संतों का जुड़े मेला। राम कथा कह के सुन के वे धन्य करें जीवन की बेला। भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य को रोक लिया पग पढ़ के अकेला। प्रश्न किया क्या राम वही जो सानुज दशरथ के घर खेला। प्रश्न किया क्या राम वही जो सानुज दशरथ के घर खेला। क्या यही राम है कौशल नंदन जिसका यश वेदों में अपारा। ताड़ का वध कर विश्वामित्र के यज्ञ का है क्या यही रघुवारा। नारी विछोह में क्रोध हुआ तो दलबल संग रावण संहारा। क्या इसी राम का नाम जपे विश्वेश्वर शिव तज के जग सारा। क्या इसी राम का नाम जपे विश्वेश्वर शिव तज के जग सारा। दोनों ऋषि ज्ञानी
सुनकर करें तन मन प्राण बोले मुनि राई, मैं जानूं तुम्हारी चतुराई। कैसे राम गूढ़ गुण ग्राम, पर ब्रह्म हर पूरण काम। ईश्वर ऐसे होते हैं जो स्त्री के विरह में विलख विलख कर मानव जैसे रोते हैं। जिसको कह कर संदेह मिटाया शिव ने उमा भवानी का। मैं शुभारंभ करता हूँ उसी ब्रह्मनाशिनी अमर कहानी का। है यह प्रसंग त्रेता युग का, शिव गए निकट ऋषि कुंभज के। कुंभज ने गिनाए अगणित गुण श्री राघव दशरथ आत्मज के। ऋषि ने हरि भक्ति जो पूछी तो शिव ने रहस्य यूं खोल दिया। हरि को रखो भक्ति सहित मन में, गुरु मंत्र यही अनमोल दिया। ऋषि कुंभज से हरि दर्शन के चिर अभिलाषी। स्थाई निवास कैलाश, सती संग लौट रहे थे कैलाशी। लिया उसी समय अवतार राम ने वचन पूर्ण निज करने को। सुर नर मुनि धर्म धरती के असुरों के दिए दुख हरने को। रावण के क्रोधित होने पर मारीच कपट मृग बन आया। वह सोने का मृग पाने का हट कर बैठी तब महामाया। एक मृग के पीछे राम गए उत भेष साधु जैसा धर के। भिक्षा मांगी और छल बल से ले गया जानकी को हर के। नारायण नर की तरह करने लगे